अबे जफर, ये तेरी गाड़ी नहीं? यार ये सिर्फ गाड़ी नहीं, पाप भी सफर गई है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा आप थोड़ी देर में मिलने हैं। जी अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है, आप लोग मिल सकते हैं। कैसी हो मिशेल मेरी बहन? बस अल्लाह का शुक्र है, उसने बड़ा करम कर दिया हम पे। अल्लाह ताला ने हम पे रहम किया है बेटा। बस मैं अपनी बेटी को साथ लेके घर चली जाऊं, सारे शुक्राने अदा करूंगी। जी और उसके बाद फिर हम एक बड़ी सी पार्टी करेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे कर। बेटा तुमने मिशेल का जिस तरह से साथ दिया है। अरे आंटी छोड़े ना, कैसी बातें कर रही हैं आप। नहीं बेटा, एहसान छोटा करे या बड़ा करे, एहसान एहसान होता है, एहसान मानना चाहिए। पप्पू जी मेरे बेटा, मुझे माफ कर। नहीं बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। और बेटा अकलमंदी इसमें है कि गलती दोबारा ना की जाए। ठीक है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ना, फिर तुम्हारा बर्थडे आ रहा है और हम बहुत बड़ी बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। बस अब तुम देखना मिशेल कितनी जबरदस्त किस्म की तुम्हारी बर्थडे पार्टी होगी, सब लोग देखेंगे। नहीं भाई, मैं अपनी बेटी की कोई बड़ी तकरीब नहीं करूंगी, मेरी बेटी की खुशियों को नजर लग जाती है। बानो अच्छा ठीक है, घर चल के बात करेंगे, जैसे सबा और मिशेल कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि तुम्हें और मुझे कितना अच्छा हो गया साथ गुजारते हुए। वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ यही सोच रहा था मैं, तुम्हें कैसे पता चला? इसी का नाम जिंदगी है। तुम्हें याद है हनीमून के लिए कहाँ ले गया था मैं तुम्हें? हम शादी के बाद हनीमून पे गए ही नहीं थे। मुझे इस्लामाबाद लेकर गया था। वो तो आप ऑफिस के काम से जा रहे थे तो इसलिए मुझे साथ ले गए। लेकर तो गए थे ना। वाह क्या बात है, इसको आप हनीमून का नाम दे रहे हैं। और वो जो दुबई, क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं आज आप? अब यही तो बातें जिंदगी साथी हैं। और हमारे पास है क्या? अच्छा मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मामा मामा। हाँ बोलो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। मुझे अंदाजा है तुम लोग उससे कुछ छुपा रहे हो। बोलो। उन्हें कहा है कि बस हम लोग बाबा के लिए दुआ करें। दुआ तो मैं हर वक्त कर रही हूँ, एक लम्हे को भी नहीं रुकी। देखो जवाब, मैं एक मजबूत औरत हूँ, मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है, सच सच बता दो। या मेरे अल्लाह, ये जैदी साहब बार बार मेरी कॉल क्यों काट रहे? आज से पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हो गया मैं?
सफर में तुम्हारे अब्बू को फोन करी मगर उठा नहीं रहे फोन। उठाना तो दूर की बात है, वो तो मेरी कॉल काट रहे हैं। कॉल काट रहे हैं? इसका मतलब है क्या? मतलब अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाय, फिर से कॉल काट दी इन्होंने। कहीं सच तो नहीं जो तुम मुझे बता रहे हो? आपका भी यकीन नहीं आ रहा? मेरा दिल नहीं मान रहा कि जैदी साहब कभी कुछ ऐसा कर सकते। ठीक है फिर, जैसे आपकी मर्जी। जफर तुम बिना खैरियत तो है, क्या मसला है? इतने फोन पे फोन फोन पे फोन। कहाँ रह गए थे आप और आप मेरी कॉल क्यों काट रहे थे? अरे गाड़ी पार्क कर रहा था, अंदर ही आ रहा था मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाय लाऊं मैं आपके लिए? अभी लेके आती हूँ अच्छी सी चाय। मामा, जुनेद। मामा, क्या हुआ जुनेद? क्या हुआ जुनेद? बाबा नहीं रहे। सबर करो बेटा, मुकद्दर के लिखे को कौन टाल सकता है? मगर मामा, बाबा हमें छोड़े क्यों चले गए? बेटा जिसकी अमानत थी उसने अपने पास वापस बुला लिया, हम क्या कर सकते हैं? बेटा बुरा वक्त बता के नहीं आता, हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारे पास, जाओ जवाब के पास जाओ, अकेला पड़ गया। जाओ शाबाश। देखना कोई चीज रह नहीं जाए। अरे हम कौन सा कोई ट्रक भर के यहाँ लाए थे? हमारी बेटी हमारे साथ घर जा रही है, सारा सामान रह भी जाए तो कोई बात नहीं। अब्बू डॉक्टर ने दोबारा कब बुलाया है? बेटा डॉक्टर ने दोबारा नहीं बुलाया है, अब तुम खुद अपनी डॉक्टर हो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है। चले अंकल, आपने तो मरवाई दिया। वो कैसे बेटा? वो ऐसे कि अब ये मैडम हमारा इलाज करने की विजिट करेगी। अच्छा तुम लोग सामान लपेटो, मैं बिल पे करके आ। अब्बू सॉरी। किस बात की सॉरी बेटा? मैंने आपको बहुत दुख दे दिया ना। कोई दुख नहीं दिया बेटा। हाँ ना, और नहीं तो क्या, बहुत दिनों से अंकल आंटी की आउटिंग भी नहीं हुई थी। अच्छा है ना इसी बहाने आउटिंग हो गई। अल्लाह किसी को ऐसी आउटिंग नहीं कराए। अरे मजाक कर रही है सबा। जानती हूँ सबा भी बिल्कुल मुझे मिशेल की तरह प्यारी है। अच्छा मैं आता हूँ। मुबारक हो आपकी छुट्टी हो गई। शुक्रिया बेटा, बस अल्लाह का करम है। अच्छा रुको, ये लो। शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताओ, वो दूसरी फैमिली है ना जिससे मैं बात कर रही थी, उनका क्या हुआ? उनके शोहर का तो इंतकाल हो गया। तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है जी। चलो फाइनली तुम ठीक हो गई यार, बड़ी टेंशन दी हुई थी तुमने भी। बैठो इधर। मतलब साफ है कि जब मैं इतना अच्छा हूँ तो फिर रिश्ते से इनकार की वजह?
तरह बात कर रहे हो मुझसे? तो आप बताएं कैसे करूं? अंधा हूं, लूला हूं, लंगड़ा हूं, क्या खराबी है मुझमें? जी सर, इस पर साइन कर दें ताकि हम मैयत को आपके हवाले कर दें। मेरा कहाँ जा रहा? वो मीटिंग के लिए जा रहा। बेटा एक पेपर है, इस पर साइन चाहिए थे तुम्हारे, कर दो। मैं कर लेता। क्या करो? बाबा साइन करो। क्यों? क्योंकि अभी आप नहीं तो कहा। पढ़ा इस पे क्या लिखा हुआ? नहीं बाबा, बस आपने कह दिया और मैं साइन कर रहा। तुम साइन क्यों कर रहे हो? बाबा मैं समझा नहीं आपकी बात। बेटा जब भी कोई पेपर साइन करो ना, वो पढ़ कर करो, बगैर सोच समझे नहीं। मगर बाबा आप तो अपने हैं ना, फिर इसमें मसला क्या है? बस यही समझ लो बेटा कि इंसान हमेशा अपना सही धोखा खाता है। इसमें क्या लिखा है ये तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइंदा कभी भी किसी पेपर पर भी तुम्हें साइन करने हो तो पहले देखो, पढ़ो और उसके बाद साइन करो। राइट? बहुत पते की बात की आपने आज। That's like a good boy. अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, कब आओगी? इसीलिए तो कॉल किए, आप मुझे पिक कर सकते हैं? हम हॉस्पिटल से मिशेल के घर जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, शुक्र भाई, हमें तो इस कॉल का इंतजार था। तो ठीक है फिर, आप मुझे पिक कर लें। ठीक है। अच्छा सुनो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? सब काम हो गया ना, बिल बिल पे हो गया? आप जी अब्बू, बस अंकल वही अदा करने बाहर गए। अच्छा बेटा, फिर भी अपने तौर पे पूछ लेना, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना तुम। है जी अब्बू, पूछ लूंगी। आप मिशेल को प्यार देना, कहना हम घर आ रहे हैं। जी अब्बू, जब घर आएंगे तो खुद ही प्यार दे दीजिए। अच्छा बेटा, आते मिलते, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जुनेद, जुनेद मामा को बुला, जाओ। हाय मामा, चले। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। भाई साहब, हम पर एक एहसान करते हैं, आप चलकर उनको दिल से माफ कर दें कि उनकी रूह को सुकून मिल जाए और हमारे दिल को भी इत्मीनान हो जाएगा कि आपने उनको माफ कर दिया। ए अल्लाह, तो दिलों का हाल बेहतर जानता है। ए अल्लाह, मैंने इनको सच्चे दिल से माफ किया। ए अल्लाह, तू भी इनको माफ कर दे और इनकी आखिरत की मंजिल आसान फरमा दे। मामा, सबाहत सबाहत भाई, आ भी जाओ। ओहो, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कहाँ जाना है मुझे बताए, मैं उस हिसाब से तैयार हो जाऊँ। अरे भाई, तुम्हारे साथ ड्राइव पे जाना है, सफर करना है साथ। आप बिना हद करते हैं। ये क्या बात हुई? सबाहत, यकीन करो तुम्हारे साथ सफर करने को जितना जी चाहते हैं और जितना खुश होता हूँ मैं नहीं जानता।
अच्छा, आप चल के गाड़ी में बैठे, मैं अपना हैंड बैग लेकर आ रही हूँ। आप आए मेरे साथ गाड़ी में, बाबा के साथ जुनेद आ रहे। नहीं बेटा, तुम दोनों गाड़ी में जाओ, मैं आखिरी सफर तुम्हारे बाप के साथ गुजारना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, अरे जैसे आप कहेंगे वैसे ही हो जाएगा। या अल्लाह, मेरे सुहाग को मेरा ही रखना। बस तो समझ ले होगी, तो फिर मुलाकात हो रही है। जान हो गया, तो मैं आ रहा हूँ फिर आपसे। ओके मुनीबा, मुनीबा जी, जी इधर आइए जी। अरे तो प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम नहीं जी, क्या प्रॉब्लम होगी? तो बात करनी है आपने मुझसे। कोई बात नहीं, क्या हुआ? तो मसला है आपके साथ? मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो फिर ये सब छुपन छुपाई क्या हो रही? वो मैं समझी कि सफर आ गया और आप दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई, इसलिए मैं आई थी। वाकई? वाकई पक्का? जी बिल्कुल पक्का। चलें ठीक है फिर, इसी बात पे चाय पिलाइए। हाँ अभी लाती। अरे भाई फिरदौस कहाँ हैं आप? जी जी। अरे हम सभा को लेने जा रहे हैं, ठीक है? कहाँ, हॉस्पिटल? नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं, वो मिशेल के घर, वहाँ से डिस्चार्ज हो गए, उन घर पे गए वो लोग। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मिशेल ठीक हो गई। हाँ भाई, जिस्मानी तौर पे तो ठीक हो गई है, खुदा करे कि जहनी तौर पे भी ठीक हो जाए, वरना अगर ऐसी गलती दोबारा करेगी तो बहुत नुकसानदेह है उसके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा हम चलते हैं, रास्ते में कुछ काम है, वहाँ से प्रभा को पिक करके वापस आ जाएंगे। ठीक है? ठीक। ओके खुदा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मिशेल ठीक हो गई। आजकल की बच्चियां बस। अस्सलाम वालेकुम ताबू। वालेकुम अस्सलाम जफर, कहाँ घूम रहे हो? मिलते तो आप इतनी मोहब्बत से, जैसे मुझसे अच्छा कोई है नहीं। अरे क्या मतलब बेटा? मतलब साफ है कि जब मैं इतना अच्छा हूँ तो फिर रिश्ते से इनकार की वजह? तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? तो आप बताएं कैसे करूँ, अंधा हूँ, लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, क्या खराबी है मुझमें? ये कौन सा तरीका बात करने का जफर? प्यार वाले तरीके से तो मना कर दिया आपने मुझे, अच्छा खासा हैंडसम, क्या बुराई है मुझमें? सबसे बड़ी बुराई तो तुम में मुझे ये नजर आ रही कि तुम्हें बात करने का सलीका नहीं है। हाय अबू, अब इसमें सलीका कहाँ से आ गया? बेटा सलीका ये होता है कि कौन सी बात कहाँ करनी है ये इंसान को पता होना चाहिए। जब इंसान के दिल पे चोट लगती है ना तो सारे सलीके भूल जाते। अच्छा, बड़ों का एहतराम भी भूल जाता है? क्या मेरा ख्याल है, मैं बाद में बात करनी चाहिए। खुदा हाफिज। और हाथ आए अबू, सभा मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जो बच्चा हमारी गोद में पल के जवान हुआ है वो हमसे इस लहजे में गुफ्तगू करेगा। ये तो आप सही कह रहे हैं, बुरी बात है, सब कुछ तो माँ बाप ऐसे नहीं है। अगर मुनीबा को पता चलेगा ना तो वो फौरन एक्शन लेगी।